सुनो और भी बताएंगे, और मीरा बाई में सब ये गुण लक्षण ढूंढना और धीरे धीरे हमें आमे ऐसा विचार करना। भक्तिमती मीराबाई, मीराबाई अपने पूर्व जन्म में बंधुओं एक माधवी नाम की गोपी थी। एक बात सदैव याद रखना, जब तक विरह व्याप्त जीवन में नहीं होगा ना, तब तक ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो सकता। ठाकुर जी को जीवन में प्रकट विरह ही करेगा, भक्ति में विरह नहीं आया ठाकुर जी प्रकट नहीं होंगे। मीराबाई का विरह बहुत बड़ा है। हम लोग सुनते हैं पूरा जीवन उन्होंने विरह सहा, पूरा जीवन नहीं बंधु, पूरे एक युग तक मीराबाई ने विरह सहा है। माधवी नाम की गोपी हैं मीराबाई। नन्हे से गोपाल जी अपने द्वापर युग की कथा, पहले पूर्व जन्म की कथा सुने मीराबाई की। ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालों के साथ में आनंद करते हैं, सब ग्वाल बालों के साथ में ठाकुर जी नन्हे से गोपाल जी खेल रहे थे। मधुमंगल श्रीदामा आदि ये सब तन सुखा मन सुखा धन सुखा ये सब ठाकुर जी के सखा हैं। बहुत ध्यान से सुनो, ये सब सखा हैं ठाकुर जी के। एक दिन ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे, सो ठाकुर जी का सखा श्रीदामा बीच खेल से ही जान लगो। ठाकुर जी बोले, अरे भैया कहां को जा रहे है? लाला मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूं। ठाकुर जी तुरंत पहुंच गए श्रीदामा के पास, हाथ पकड़ लियो, बोले ससुराल जी कौन सा काम है भैया? ब्रजभाषा समझ में आ रही है? हैं? देखो भैया, आप सब लोग अधिकतर यहाँ अहीर समाज के लोग बैठे, आप सब लोग ब्रज से ही हो, आपके सब पूर्वज ब्रज के ही हैं, ब्रज भाषा तो समझ में आनी चाहिए, आपके द्वारिकाधीश की भाषा है। ठाकुर जी बोले, भैया ए श्रीदामा जे कौन सो गांव है ससुराल? श्रीदामा बोलो, अरे बाबड़े ससुराल गांव ना होवे। बोले तो फिर का होवे ससुराल? बोले ससुराल होवे ब्याह एवे के बाद में, एक नहीं दो घर है जाए, एक तो होवे अपनी मैया को घर पिता को घर, और एक होवे पत्नी के मैया पिता को घर, वाकू के ससुराल। ठाकुर जी बोले, तेरी बात मेरे पल्ले नाए पड़ रही लाला, अरे ससुराल कहा होवे मुकू जल्दी बता। बोले, अरे ससुराल मतलब पत्नी को मायको। ठाकुर जी बोले, पत्नी जी पत्नी कौन होवे भैया? श्रीदामा समझा रो है, अरे लाला तू तो बड़ो बोरो है, नेक बड़ो है जाएगो तो तेरो ब्याह है जाएगो, तेरी पत्नी आ जाएगी। ठाकुर जी बोले, मेरी पत्नी आवेगी? बोले हम बे, तो फिर मेरो ससुराल कहां है? श्रीदामा बोला, मौका पता तेरो ससुराल कहां है, जब ब्याह होगा तब पता चलेगी तेरो ससुराल कहां है। अब तो ठाकुर जी हट करन लगे, बोले ना मेरो ससुराल बता, मेरो ससुराल कहां है? श्रीदामा बोलो, अरे अपनी मैया तो जाके पूछ ले, तेरी मैया बता देगी तेरो ससुराल कहां है। ठाकुर जी खेलते कूदते आज घर आए, यशोदा मैया रसोई घर में प्रसाद सिद्ध कर रही है। ठाकुर जी आके गोद में बैठ गए, बोले मैया मेरो ससुराल कहां है? अब तो जैसे ही मैया ने सुनी मेरो ससुराल कहां है, लाला बोल लो। मैया बोली, लाला ये कहां से सीख आयो? बोले, आज मैया मैं खेल रहे हो तो श्रीदामा अपनी ससुराल गयो, तो वो बोलो मैं ससुराल जा रहा हूं, तब से मेरे मन में आ रही मेरो ससुराल कहां है। मैया बोली, ससुराल लाला जब ब्याह है जाएगा तब आएगा ससुराल। बोले, जय श्रीदामा कह रहो मेरो ब्याह कब होएगा मैया? बोले, अरे अभी तू बड़ो तो है जा लाला, तू पे मोह दोनों आवे ना, मैं खवाऊं तो खावे, मैं चलाऊं तो चले, मैं उठाऊं तो उठे, मैं नहाऊं तो नहावे। जब बालक बच्चे सब अपने आप अपने कामन को करन लगे तब उनको ब्याह कर दियो जाए, तब उनके काजे बहु आवे, तब ससुराल होवे। ठाकुर जी बोले, मैया मैं सब काम कर लूंगा अपने आप, तू मेरो ब्याह करा दे, और मेरे काजे बहु लिया। मैया बोली, नेक बड़ो तो है जा लाला,
कहां ते लाऊं तेरे काजे बहू। ठाकुर जी बोले या तो मेरे काजे बहू ला, नहीं तो श्रीदामा अपनी बहू ला रहो, बाकी बहू को मैं ले आऊंगो, वो बहू मेरी रह जाएगी। मैया जोर से हंसी, बोले लाला तेरी बात ऐसी ऐसी बात बनावे, बैठो बैठो। मैया बोली करा दूंगी तेरो ब्याह, ज्यादा चिंता मत करे। अब तो ठाकुर जी रोन लगे, मैया मेरो अभी ब्याह करा, अभी ब्याहे जाऊंगो मैं तो, अभी ब्याह करूंगो। यशोदा मैया परेशान है गई, बोले लाला चल करा दूंगी तेरो ब्याह, अब रोवे मत। बोले कब करावे की तिथि बता, मोकू तिथि बता, दिन बता, समय बता, सब बता, तभी जाऊंगो यहां ते। यशोदा मैया तो ऐसी परेशान भाई। ऐसे हमारे नन्हे से गोपाल जी बहू की और ससुराल की आश में बैठे, श्री दामा को ब्याह माधवी गोपी से भयो, माधवी सखी से भयो। माधवी आज श्री दामा माधवी को लेने के लिए ससुराल गए, ससुराल से जैसे ही माधवी आन लगी, सुमैया ने पढ़ा दी माधवी और पढ़ा लिखा करके भेजी, बोले देख तू अपने ससुराल जा रही है, जमाई राजा लेवे आए हैं, लेकिन ध्यान रखियो, याद रखियो, ससुराल में सबको सम्मान करियो, सबको आदर करियो, सबसे प्रेम से रहियो। मैया खूब सिखा पढ़ा के भेजी अपनी बहू को, लेकिन तेरे पति को एक सखा है, वाको नाम कृष्ण है, बस वा से सावधान रहियो। चौमैया वा से सावधान क्यों रहूं मैं, बोले अरे मैंने सुनो है वो कन्हैया जाकू अपना रूप दिखा दे, जाकू एक बार अपनी तिरछी नजर से देख ले, वाको फिर गृहस्थ आश्रम गृहस्थ जीवन बर्बाद है जाए, वो फिर भाई को देखतो रे, वाके रूप में कछु जादूगर है, वो जाकू देख ले, वाकू अपनो बना ले, फिर वो अपने पति को ना रहे, वही को है जाए। मां की बात सुनकर के माधवी घबरा गई, बोले ऐसो कैसो है कि पति छूट जाए वासे। बोले यही मारे मैं कह रही हूं, तू सब कछु करियो लेकिन तू मुकु वचन दे के जा, वाह वाह कृष्ण को अपनो मुख मत दिखाइयो, चाहे चाहे तो कुछ जीवन भर घूंघट करके रहना पड़े लेकिन कृष्ण को मुख मत दिखाइयो। माधवी बोली मैया मैं वचन दे के जा रही हूं, वह कृष्ण को मुख नहीं दिखाऊंगी। श्रीदामा माधवी को लेकर के ब्रज जा रहा है। श्रीदामा पहले ही माधवी से चर्चा करते आ रहे हो रास्ता भर, सोई श्रीदामा ने कही, बोली अरे सुन ब्रज में अभी मैया मिलेगी, पिताजी मिलेंगे, सब मिलेंगे, सबके संग फिर बोलो, मेरो एक सखा है कृष्ण, वाकू जब से मैंने बताई ससुराल के बारे में, ब्याह के बारे में, तब ते बड़ो उतावलो है, तो है सके वो तो से मिलवे आवे तो वाकू अपना मुख दिखाई दियो। मीराबाई ने जैसे ही कृष्ण को नाम सुनो महाराज, आदि माधवी ने जैसे ही कृष्ण को नाम सुनो, आधे रास्ता में ही घूंघट कर लियो, बोले वासे ही तो बचवे के काजे मैया ने कही है, वाकू मुख नहीं दिखाऊंगी। बंधुओं संसार में जिससे मुख छुपाना चाहिए हम उसको तो दिखाते हैं, और जिससे कभी नहीं छुपाना चाहिए उसी से छुपाते हैं। संसार के विषय भोग विलास आदि इन सबके आगे हम अपने आप को प्रत्यक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, और ठाकुर जी की भक्ति ठाकुर जी के भाव में सदैव गोपनीय रखते हैं, सदैव अपने आप को पीछे रखते हैं, ऐसा क्यों? कथा का नाम सुनकर के रसिक जन आते हैं, ठीक है अच्छा आप लोग भी पधारे हो, पर यहीं कोई ऐसी लीला होने वाली होती जिसमें थोड़ा मनोरंजन हो तो भीड़ ज्यादा होती है। कथा ही तो है, मीराबाई का चरित्र तो सुनाएंगे क्या करना सुनकर के, नहीं ठाकुर जी से संबंधित कोई भी बात हो उसमें तो बढ़कर के आगे आओ, बढ़कर के आगे भाग लो, उसमें चिंता मत करो। मीराबाई ने अपना मुख छुपा लियो, माधवी ने जैसे ही वृंदावन पहुंची बैलगाड़ी, सखान ने जाके ठाकुर जी को बता दी, अरे अरे लाला देख श्रीदामा आगो, अपनी ससुराल से आगो, अपनी बहू लेके आयो है,
अब तो ठाकुर जी ब्याह को ले गए, बोले बहू आई है, मैं भी तो देख के आऊं कैसी बहू हो गए, कहां थे, कैसी ससुराल थे, कैसे आम है, कैसे कहा हो गए। ठाकुर जी तो इतने उतावले हो गए महाराज, पहुंच गए बीच रास्ता में, अरे भैया श्रीदामा आ गए हो? बोले हाँ आ गए हो लाला। कहां है तेरी बहू, कहां बैठी है? बोले पीछे बैठी है। बोले अच्छा, मुख मुख दिखाए दे। बोले तू देवर है, वो तेरी भाभी है, भैया खुद ही देख ले। जैसे रथ रुका, माधवी भीतर से सुन रही थी कि कृष्ण आ गया है। माधवी ने घूंघट कर लियो, आसपास सौल आदि और पड़ी, वो भी ऊपर से डाल ली, मुख मोड़ करके बैठी है, कहीं से भी मुख दिख नहीं जाए, एक अंग भी मेरो दिख नहीं जाए, मेरो पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं है जाए। मेरी मैया ने मुझसे कही कि जो वाकु देख ले या वाकी नेत्रण में आ जाए वो कभी जीवन भर अपने पति की ना रह पावे, वाकु मुख नहीं दिखाऊंगी। ठाकुर जी भीतर पहुंच गए, श्याम सुंदर बैठे हैं सामने, माधवी से कह रहे हैं अरे श्रीदामा की बहू, नेक हमऊ तो दिखा तेरो मुख कैसो है, अरे नेक दिखाए दे। मेरी मैया ने तो, मैंने तो मैया से कही मैं श्रीदामा की बहू ले जाऊंगो, मैं तो तू को ले जावे वारो, लेकिन मैया ने मुझसे कही है कि वो मेरो ब्याह कराए देगी, मैं तो ब्याह कर लूंगो, मेरी वो बहू आ जाएगी, लेकिन एक बार देखूं तो सही बहू होवे कैसी है, नेक दिखाए दे। मीरा भाई तो और छुपावे, मुख नहीं दिखावे ठाकुर जी को। ठाकुर जी कभी पाम पकड़े, पाम पकड़े सो इधर को है जाए, नेक ठाकुर जी बगल में आमे सो इधर को भाग जाए। खूब देर ठाकुर जी मनोहार करते रहे, लेकिन माधवी ने अपना मुख नहीं दिखाया। थोड़ी बहुत देर तो ठाकुर जी मनोहार करते रहे, जब माधवी ने मुख नहीं दिखाया सो ठाकुर जी बोले देख तू मोसो अपना मुख छुपाए रही है, तो है ना पतो मेरो मुख देखवे के काजी, सब तरस हैं, सब तड़फ हैं, बड़े बड़े ऋषि महात्मा ज्ञानी हिमालय पर जाकर के तपस्या करें तब जाके मेरो मुख दिखे, और तेरे सामने प्रत्यक्ष बैठा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, पाम पर रहा हूं, तब वो अपना मुख नहीं दिखा रही है, जा तड़पेगी तू मुख देखवे के काजी, तरसेगी, व्याकुल रहेगी जीवन भर। माधवी ने मानो ऐसा इशारा किया कि मोह देखवे की जरूरत ना है, मोह तड़वे की तड़पे की जरूरत ना है, चले जाओ यहां से। ठाकुर जी निकल के बाहर आए, बोले अरे श्रीदामा, मोह तो लगे तेरी बहू भेणी दिखे, बाकी आंख कमजोर, बाकी एक आंख तो काणी है। श्रीदामा बोलो नहीं तो, बोले तो नाक टेढ़ी है, बोले नहीं तो, बोले होठ कटे हुए, बोले नहीं तो, बोले दिखाई ना रही, ऐसे मोह छुपा रही है जैसे कितनी कुरूपणी है। कोई बात ना श्रीदामा, मेरी बहू आवेगी, मैं तो को नहीं दिखाऊंगो, ले जा अपनी बहू है। माधवी चली गई, अपने घर आ गई, लेकिन बंधुओं गोविंद दामोदर स्तोत्र में कहते हैं ना, ग्रहे ग्रहे गोप वधु कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योग्यम्, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम्, गोविंद दामोदर माधवेति। ब्रज में तो और कुछ होता ही नहीं है, हर घर में केवल कृष्ण की चर्चा चलती रहती है, सुबह उठने से लेके रात्रि सोने तक केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण ने ऐसो कियो, कन्हैया ने ऐसो कियो, अरे आज तो नंद को लाला वहां घूम रहो, अरे आज तो नंद को लाला वहां डोल रहे हो, सब जगह यही चर्चा। अब माधवी सोचे इन पे और कोई बात ही नहीं है, अगल बगल की सब गोपियां पूरे घर गृहस्थी की कोई बातचीत नहीं, बस पूरे दिन वो नंद को लाला ऐसो करे, नंद को छुरा ने आज तो ऐसो कियो, अरे आज तो माने ऐसो कियो, पूरे दिन वही की चर्चा। अब माधवी कहे किससे, अपनी सास से कहे, अगल बगल की गोपियों से कहे, बोले तुम लोगन पे और कोई बात ना है, कभी बैठ जाओ कहीं चले जाओ 24 घंटा या कृष्ण 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 वही की चर्चा करते रहो, और भी तो कई बातें गृह गृहस्थी की कर लो भैया, ये 24 घंटा कन्हैया। एक गोपी बोली अरे ये नई नई आई है का अभी ब्रज में? बोले हम बे अभी नहीं आई है। वो कितने दिन आए गए? बोले 3 दिन है गे। वो 3 दिन है गे, एरी गोपी एरी माधवी
तेने कन्हैया देखो अभी तक, या कन्हैया की दृष्टि पड़ी तो पे? माधवी बोली, मैं नहीं दिखाऊंगी वाकू अपना मुख, मेरी मैया ने मनाए करके भेजो है कि वाकू मुख दिखावे से। यही स्थिति है जाए जो तुम लोगों की, अपनी पति की चर्चा ना करो, वह नेक से कन्हैया की चर्चा कर रही हो, मैं तो ना दिखाऊंगी वाकू मुख। गोपियां सब बोली, यही मारे तेरे मुख से वाक्य काजे ऐसे दुर्वचन निकल ले। अभी तेने वाकु मुख देखो ना है, अभी तेने वाकु रूप देखो ना है, यही मारे ऐसे बोल रही है। अरे जादना वो छवि दिख जाएगी ना, जादना वो मोहिनी मूरत सांवनी सूरत तेरे चित्त में बस जाएगी ना माधवी, तू भी हमारी तरह वही की चर्चा करेगी। माधवी मन में सोचती भी है, ऐसो कहा है वाक्य रूप में जो और कोई चर्चा ना आवे चित्त में। बंधु अस्त सखा गाते हैं, सबने गाया, किसने नहीं गाया? कैसो है ठाकुर जी को रूप, श्री कुंभनदास जी कहते हैं अपने एक पद में, नैना पलक लागे नहीं रूप देखे। अरे माधवी वह कन्हैया को रूप कैसो है? बोले नेत्रन से जब वो सामने दिखेगा ना तो जैसे पलक मानो झपकनो अपने आप को भूल जाएंगी, ये पलक नीचे आनो भूल जाएंगे। आज हम संसार की कोई वस्तु देखें तो पलक ना जाने कितनी बार झपके हमें खुद को पता ना चले। बोले श्याम सुंदर जब नेत्रन के सामने आएंगे तो पलक भी भूल जाएंगे कि हमको झपकनो है, ऐसा रूप है वाको। गोवर्धन के अंग अंग प्रति निरख नैन मन रहत नहीं। अरे वाको एक एक अंग ऐसा है कि एक अंग को देखेगी तो वर्षों तक एक ही अंग को चिंतन चलता रहेगा। ऐसा ना है कि एक बार में नेत्रन को भी देख ले, मुख को भी देख ले, कानन को भी देख ले, हाथ भी देख ले, पाम नहीं, एक बार में एक ही अंग दिखेगा और वही कोई चिंतन चलता रहेगा। कहरी कहो कछु कहत ना आवे, चुत चुरायो वे मांग दही। कहा कहूं वाक्य रूप को वर्णन ना कर सकू। माधवी बोली ऐसो काय वाक्य रूप में? बोले वर्णन को विषय ना है, कोई बता ही ना सके। अरे कितनों बड़ो वक्ता आ जाए वाक्य रूप को वर्णन कोई ना कर सके। कुंभन दास प्रभु के मिलवे की, कुंभन दास प्रभु के मिलवे की, सुंदर बात सखियन सो कहे। नैन पलक लागे नहीं, ऐसा रूप है वह कन्हैया को। अब तो माधवी पतो चल जाए या गली में कन्हैया है तो वह गली में ना जावे, पतो चल जाए कि यहां से अभी गुजरे तो वहां नहीं जावे, हर जगह से अपने आप को बचावे। लेकिन मैं अपनी कथा में कहा करता हूं बंधुओं, 5000 साल पुरानी बात नहीं, आज भी वृंदावन आपके भीतर पंच रसों से कृष्ण को प्रवेश कराता है। आज भी देखोगे तो श्री कृष्ण दिखेंगे वृंदावन में, कहीं नहीं तो दीवारों पर दिख जाएंगे, कहीं नहीं तो कहीं भी दिख तो जाएंगे। आंख बंद कर लोगे तो कानों से नाम के रूप में प्रवेश कर जाएंगे, कान भी बंद कर लोगे तो जीव से जो भी पा रहे हो वो सब प्रसाद ही है, वृंदावन में सब भोग ही है, तो रूप रसना के रूप से प्रवेश कर जाएंगे। मुख से कुछ खाओगे नहीं, नेत्रों से देखोगे नहीं, आंखों कानों से सुनोगे नहीं तो नासिका से प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि वृंदावन में जितनी हवा बह रही है वो भी राधा रमन राधा वल्लभ मां के बिहारी मदन मोहन राधा दामोदर सबके चरणों का स्पर्श करके बह रही है। कहां तक बचोगे? वृंदावन पहुंच गए, वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर गए, भजन आपका तब से शुरू हो जाता है, सांस लेना भी भजन है वृंदावन में।
क्योंकि हवा में भी कृष्ण तत्व है। माधवी कहां तक बचाए अपने आप को, मैया ने कही मुख मत दिखाइयो, अरे मुख तो मैं खूब छुपा रही हूं लेकिन कानों से भी कृष्ण कृष्ण, जहां बैठ जाऊं कहीं भी ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां कृष्ण की चर्चा नहीं होती। माधवी तो अब तो ये स्थिति हो गई कि रात में सपने में भी उसको ठाकुर जी के अनुभव होते हैं, मुख नहीं दिखता क्योंकि देखा तो कभी है नहीं, लेकिन इतना सुन लिया है कि उसको अनुभव हो गया है कि चरण ऐसे हैं, हाथ ऐसे हैं, चाल ऐसी है, मुस्काते हैं तो ऐसे, फिर उठ जाती है, मुख से पानी धोती, पानी से मुख धोती है और फिर विचार करती है सोऊं भी तो कैसे, नींद में भी तो वही दिख रहा है, कहां तक बचूं मैं। माधवी की स्थिति 24 घंटे चिंतन में श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। एक दिन परेशान हो गई, रात्रि में सो गई, कानों में रुई लगा ले तो भी क्या, चिंतन में तो वही चल रहा है, कहां तक बचे। रात्रि में सोई थी, आज मानो मीराबाई को ऐसा लगा कि सुबह हो गई है और तुरंत उठ करके हाथ मुंह धो करके माधवी ने मटका उठाया, यमुना जल भरने के लिए निकल पड़ी। उसको लगा समय हो गया है यमुना जल भरने का, सब गोपियां साथ में जाती थीं यमुना जल भरने के लिए, लेकिन मीरा आज माधवी समय से पहले ही उठ करके चली गई, उसको लगा कि समय हो गया है और पहुंच गई यमुना के तट पर। तट पर जाकर के देखा अभी तक कोई भी नहीं, अकेली मैं, बाकी सब कहां चली गई, हो सकता है मुझे विलंब हो गया हो या मन में भाव आया मैं जल्दी आ गई हूं तो कोई बात नहीं भर लेती हूं, भाई गई हूं तो। अकेली है यमुना के तट पर माधवी, जैसे ही यमुना जल भरने लगी मटके में, रोज उठा के लेके जाती है खुद ही, लेकिन आज मटके में जल जैसे ही भरा उठाया तो उठे ना, भार भर गया है, भारी हो गया है, अब तो लगी है उसको उठाने में, कभी खूब प्रयास करती है, खींचती है, आसपास देखती है कोई आ जाए कोई आके उठवा दे, इतने में ही बांकी अदा से अपनी चाल चलते भय, त्रिभंग लली श्याम सुंदर, कमल कटाक्ष नेत्र हैं, सुंदर दंतावली चंदन की सुगंधि से आच्छादित करते हुए मार्ग को पहुंच गए यमुना के तट पर। माधवी आसपास देख रही है कोई कोई दिखे तो आवे उठवावे, तभी दृष्टि पड़ी श्याम वर्ण नन्हे से श्याम सुंदर छोटो सो बालक, माधवी ने देखा तो था नहीं उनको, देख करके लगा अरे पता ना कौन सी गोपी को छोटा सा सुंदर सा बालक सवेरे सवेरे यमुना के तट पर घूम रहा है। मीराबाई ने तुरंत आवाज दी, अरे ओ लाला, अरे ओ भैया, नेक आइयो, इतकु आइयो। ठाकुर जी कूदते फांदते अपनी चंचल अदा से कभी यहां देखें कभी वहां देखें, ऐसी मधुर मुस्कान उनकी, पहुंच गए माधवी के पास। एक बार को तो मानो जैसे देखती रह गई माधवी, लेकिन मन में ये एक बार भी नहीं आया कि ये वही तो नहीं है जिससे बचना चाह रही हूं, नन्नो सो बालक है, चंचल सोया को बदन है, जरूर कोई गोपी को छोरा होगो। मटकी रखी है और माधवी ने कही, अरे लाला तूने किए जल की भरी यमुना जल की भरी मटकी ने उचाए दे, मुंह पे उठना ही रही है, बहुत भारी है गई है। ठाकुर जी इशारों करके बोले हाँ मैं उठवाए दूं। अब भाई जैसे मीराबाई उठान माधवी उठाने लगी, ठाकुर जी ने अपनी दोनों भुजान को वाह में मानो जैसे एक भाव जैसो दियो, सोई मटकी उठ गई। अब मटकी तो उठी, ठाकुर जी नेक से नेक उठा के इतनी ऊपर तक कर देते, लेकिन ज्यों ज्यों मटकी उठाई ठाकुर जी त्यों त्यों लंबे होते चले गए और बिल्कुल मीराबाई के सन्मुख खड़े है गए।
ऊंचाई करके जैसे ही मटकी शीश पर धारण कराई, शीश पर मटकी धारण करते ही माधवी ने अपने नेत्रन से सामने देखो, और जैसे ही सामने देखा, आहा, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्ण यो कर्ण कारम विभ्रदवास कनक कपिसं वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणु वधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। दोनों भुजा से मटकी पकड़ रखी है, नेत्रों से सामने श्याम सुंदर को देख रही है, मुख खुला हुआ है, प्रश्वेत के बिंदु माथे से नीचे गिर रहे हैं, और अचेत अवस्था में मीराबाई उनके रूप को देख रही है, माधवी उनके रूप को देख रही है। ठाकुर जी के नेत्र ही तो खतरनाक हैं सबसे ज्यादा, एक बार दृष्टि पड़ जाए तो फिर कोई और के रह नहीं पाओगे। मेरे मन में बंधुओं आता है कि हम ठाकुर जी के दर्शन करके पुनः सहज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमने उनको देखा, उन्होंने अभी हमको नहीं देखा। कभी ठाकुर जी ने यदि हमको देख लियो ना, तो एक बार उनके सामने जाके फिर सहज नहीं हो पाओगे, फिर अन्यत्र कहीं मन लग नहीं पाएगा। मीराबाई माधवी अचेत खड़ी है, ठाकुर जी से जितनों बचनों चाह रही, ठाकुर जी ने उतने सबरे अपने बाण मार दिए, नेत्रन से कटाक्ष मार दी, मधुर मुस्कान कर दी, अपने रोम रोम को दर्शन कराए दियो। महाराज अब तो माधवी की स्थिति एक एक जड़वत कोई मूर्ति जैसे खड़ी रहती है, ऐसे खड़ी है। गोपियों ने एक ही दिन पहले ही बताया था कि वो दिख जाता है तो क्या होता है, वही हो गया। अब ठाकुर जी तो अपने सैन चला करके वहां से भाग गए। समय हुआ उन गोपियों के आगमन का जो यमुना जल रोज भरती थी, जैसे ही आई आकर के देखा अचेत अवस्था में अभी भी ऐसे ही खड़ी है माधवी। सबने आकर के देखो, अरे ये तो हमारी माधवी है, अरे ऐसे कैसे खड़ी है भैया, अरे सांप सूंघ गयो का कहा है गो, ये तो ऐसे मूर्तिमंत है के खड़ी है। कोई हाथ पकड़े, कोई पाम पकड़े, कोई मुख को खेचे, थोड़ी हिलावे, लेकिन बिल्कुल मूर्तिमंत, नेत्रों से केवल दो अश्रुबिंद गिर रहे हैं, आंखें पलक झपक भी नहीं रही हैं, मानो केवल देह खड़ा हो, चित्त वृत्ति तो ले गया अपने साथ खड़ी। एक गोपी बोली, अरे कहा है गो, कोई ने टोना कर दियो का, कोई ने मंत्र फूक दियो का। एक गोपी मंद मंद मुस्काए के बोली, बोले कहीं ऐसा तो ना है नंद जी को छोनाया ने देख लियो होए। अरे जो ज्यादा वासे बचवे को प्रयास करे वो वही कोई पकड़े, ये बहुत घूमती ना, वाकू नहीं देखूंगी, वाकू मुख नहीं दिखाऊंगी, वासे वाकू वाक की तरफ नहीं करूंगी, मुहे लगे कहीं वही ने तो याकू अपनो दर्शन ना करा दियो। एक गोपी यमुना जल भर के लाई और जल का छिड़काव, खड़ी हुई है मीराबाई, ऐसा नहीं अचेत पड़ी है, सांस भी चल रही है, नेत्र भी खुले, बिल्कुल सचेत है, बस मूर्तिमंत है। पानी का छिड़काव किया, मुख पर जैसे जल मारा तब मानो जैसे रुकी हुई श्वास आई हो, और जल पड़ते ही मूर्छित होकर के गिर पड़ी माधवी। जल का छिड़काव किया, पैरों को मलना शुरू किया, हाथ दबाए, तब जाकर के चेतना आई, और चेतना आकर के उठते ही बोली, वो कहां है, वो कहां चला गया, उस सांवरों सो कटाक्ष नेत्र, अरे कोई गोपी को बालक आया हो, इतनो सुंदर, और बार बार बोलते बोलते मूर्छित हो जाए, फिर चेतना आवे, फिर मूर्छित हो जाए, फिर चेतना आवे, फिर मूर्छित हो जाए। सब गोपियां चिंतित नहीं मुस्कुरा रही हैं। अब जैसे ही माधवी चेतना में आई, आते ही बोली, तुम सब मुस्कुरा रही हो, मेरी स्थिति तो देखो, मुझको ज्वर चढ़ रहे हो है, मुझसे चलो ना जा रहो, मुझसे उठो ना जा रहो, मेरी स्थिति ऐसी क्यों हो रही हो, तुम सब मुस्कुरा रही हो। तब एक गोपी बोली,
तेने कोई और को लाला ना देखो, तू जासे बचवे को प्रयास कर रही ना, वही आयो तेरे पास, वही नंद नंदन, वही श्याम सुंदर, वही हमारी यशोदा जी को लाला, वही तेरे खसम को मित्र कृष्ण, वही आयो। मीराबाई, माधवी, अब तो बेचैन हो गई, मैं कहां करूं, कहां जाऊं, मुझको घबराहट है रही है, मैं मुझसे उठो ना है जा रो, मुझसे चलो ना है जा रो, मैं बोल भी ना है पा रही, बार बार अचेतना है रही है, कछु करो ना। सब प्रकार के प्रयास किए, लेकिन माधवी कहे नहीं, अब तो एक ही उपाय है कि वाके सामने मुझको ले चलो, मुझको दिखाए दो, वाको रूप दिखाए दो। बंधुओं, कृष्णदास जी सही कहते हैं, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर गाओ। बंधुओं, माधवी मीरा इनके चरित्र को सुन तो रहे हम, पर ये स्थिति होना असंभव है, पर जिसके संग भी होती है ना, उसको ब्रह्म सुख जैसा लगता है। माधवी कह रही है मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन कष्ट अनुभव ऐसा है भी नहीं कि मुझे कष्ट हो रहा है। सांसारिक देह की स्थिति पूछो तो मैं कष्ट में हूं, पर मेरी अंतरात्मा से पूछो तो मैं ब्रह्म सुख में हूं, मुझे आनंद आ रहा है, मुझे छेड़ो मत, रहने दो इसी अवस्था में। ऐसी स्थिति हो गई माधवी की। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। बंधुओं सुनो, नेत्र बंद करके अपने चित्त में ठाकुर जी का स्मरण करो, दिव्य झांकी का अनुभव करो, और संग संग गाओ, मधुर भाव से गाओ, ठाकुर जी को याद करके गाओ। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। बंधुओं, ठाकुर जी कुछ रूपों से आकृष्ट करते हैं, पंच रस तो प्रमुख हैं, रूप रस स्पर्श गंध और शब्द। जरूरी नहीं है कि कथा से ही आपका चित्त पकड़ा जाए, लेकिन एक बात समझिएगा, कथा से ठाकुर जी के नहीं हो पाए तो बाकियों में संशय हो सकता है कि बाकियों से ठाकुर जी के हो पाओगे, या तो ठाकुर जी का रूप देख करके आप उनके आसक्त हो जाओगे, या तो ठाकुर जी के रसयुक्त कीर्तन पद को सुनके उनके हो जाओगे, या तो ठाकुर जी के या ठाकुर जी के वैष्णवों के स्पर्श से उनके हो जाओगे, या ठाकुर जी की सुंदर गंध यानी कि उनके अनुभव से उनके हो जाओगे, लेकिन रूप रस स्पर्श गंध ये चारों तब तक सार्थक नहीं होंगे जब तक शब्द से उनके नहीं होंगे, मतलब कथा से उनके नहीं होंगे। माधवी के साथ क्या हुआ, 24 घंटे ब्रज में कृष्ण की चर्चा चलती रहती है, तो ना चाहते हुए भी कृष्ण चिंतन जा रहा था चित्त में, कृष्ण की कथा प्रवेश कर रही थी चित्त में, चित्त में कथा ने प्रवेश किया तब रूप ने आकृष्ट किया। कथा पहले आएगी जीवन में, और माफ कीजिए, जिसको जिसके जीवन में कथा ने प्रभाव नहीं किया ना, वो उसके सामने ठाकुर जी खड़े भी हो जाएंगे तो भी उसका कुछ नहीं होगा। कथा प्रथम आ सकती है। आपके श्री रुक्मणी जी ने जब द्वारिकाधीश को पत्र लिखा, क्या कहा,
कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शुणवताम ते, श्रुत्वा गुणान, मैंने आपको सुना है और जब से सुना है तब से आपसे प्रेम किया है, मतलब बिना सुने प्रेम नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं महाराज जी तीर्थ दर्शन करा दो, हमको प्रसाद पवा लो, कुछ भी करा लो, कीर्तन में नचा लो, कथा सुनने की मत कहो। तो मुझे, मेरे मन में आता है इस जन्म में तो ठाकुर जी तुझको कभी नहीं मिलने वाले, तू कथा से तेरे में रति नहीं है, कथा से तुम्हारे अंदर हृदय में प्रीति नहीं है। तो चाहे तुम कितने भी साधन कर लो, श्रीमद् भागवत में लिखा श्रम एव ही केवलम, यदि आप सारी क्रिया करते हो लेकिन कथा से रुचि नहीं है तो आपके द्वारा की गई समस्त क्रियाएं श्रम है। मीराबाई माधवी अब स्थिति हो गई, धरती कहीं है पैर, जाता कहीं है, चलती कहीं है, बैठती कहीं है, सोचती कुछ है, करती कुछ है। जित मुंह उठे तित ही धावे, मतलब जहां मुख घूम जाता वहीं को दौड़ने लग जाती हैं। वो खड़े श्याम सुंदर, मुख यहां घूम, अरे वो खड़े श्याम सुंदर। जित मुंह उठे तित तित ही धावे, सूरत न छाया धाम की, अस्तुति निंदा करो भले ही, मेड़ तजी कुल जान की। अब चाहे कोई मेरे भाव की प्रशंसा करे या कोई मेरे भाव की निंदा करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अरे तू तो पागल है, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, कोई बात नहीं। अरे ये तो परम भक्त है, परम वैष्णव है, तो प्रशंसा सुनने से ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता, और कोई बुरा कहता है तो बुरा भी नहीं लग रहा है, ऐसी स्थिति हो गई। नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, रहू न काहू काम की जाहे, लगन लगी घन श्याम की जाहे, लगन लगी घन श्याम। हम किसी काम के नहीं है, आपको पता है, हमारी माता जी हमारे परिवार के लोग हमसे इसलिए दुखी रहते हैं, बोले इससे केवल कथा करना आता और कुछ नहीं आता इसको। हम जब वैसे तो घर जाने का अवसर नहीं मिलता, 2-3 महीना कथाओं में ही रहते हैं, लेकिन जब घर जाते हैं तो घर के काम माता जी कहते हैं ये भी देखो वो देखो, भैया इतने दिन में आए हो ये देखो, तो वो सब होता ही नहीं है, बस कथा करा लो, ठाकुर जी की सेवा करा लो, उत्सव करा लो, इसके अलावा कुछ और करने को कहोगे तो हम बिल्कुल अंगूठा छाप है हर चीज में, हमसे कुछ नहीं हो सकता। और यही स्थिति है बंधुओं, यदि आप संसार के और किसी काम के रह गए तो समझो अभी ठाकुर जी के भय नहीं। माधवी की स्थिति ऐसी हो गई, लगन लगी घन श्याम की जाए, लगन लगी घन श्याम। व्याकुल हो गई माधवी, गोपियों से कहने लगी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, पैर पूजूं, मुझे नंद नंदन के पास ले चलो। बंधुओं ये हमारे ब्रज साहित्य की कथा है, ब्रज की कोई गोपी जब उसको ठाकुर जी का दर्शन करना होता था तो क्या करती थी, यमुना जल भरने जाती और चलते चलते धूप का बहाना लगा के कि धूप में चक्कर आ गए और चक्कर खा के गिर जाती, और फिर उस पर जल डालो औषधि पिलाओ किसी से ठीक नहीं होती। तब 2-4 गोपी जाती ठाकुर जी के पास, बोले एक गोपी बेहोश हो गई चलो, ठाकुर जी आते फिर, और ठाकुर जी आकर के वाके कान में आकर के कहते
चल रही गोपी जल्दी खड़ी है जा मैं आ गयो। सोई गोपी चेतना में आ जाती, ठाकुर जी को देख लेती, ठीक हो जाती। ठाकुर जी वैद्य बन गए, वैद्य राज। गोपियों की चिकित्सा करते हुए घूमते हैं। एक बार एक गोपी की मैया बोली, बोले एक लाला बड़ो कान में कहा बोले, सबरी गोपी उठ के खड़ी है जाए। एक बार वो वृद्ध गोपी ने विचार किया, आज मैं बीमार होके देखूं, मैं देखूं कहा बोले कान में। उसकी भावना तो कुछ थी नहीं, ठाकुर जी के प्रति प्रेम तो था नहीं, ऐसी चलती चिरती हाय राम गिर गई करके बेहोश हो गई। गोपी बोली, अरे बेहोश हो गई है सासू माँ, कन्हैया को बुलाओ। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आके देखते ही पहचान गए, बोले भाव नहीं है, जबरदस्ती पहचान करना चाह रही है कि मैं कान में क्या बोलता हूं। ठाकुर जी आए, आकर के पहले नब्ज उठा के देखी, बेहोश थोड़ी थी, चेतना में थी, वो तो सुनना चाह रही थी कान में मंत्र क्या बोलते हैं ये। ठाकुर जी ने पहले नब्ज देखी और फिर वो जो पड़ी थी उसकी बहू से बोली, अरे तेरी सासू तो बहुत बीमार है गई है, या को तो बड़ो वालो मंत्र देना पड़ेगा। बोले कहा, बोले मंत्र से काम ना चलेगो, या के काजे तो नीम तोड़ के लाओ और नीम को कंडा में जला के नीम को धुआं करो, वहां में लाल मिर्च डालो, वो या की नाक पे लगाओ तब ठीक होएगी। इतने में सास उठ के खड़ी है गई, मैं ठीक है गई लाला, है गई ठीक, तेरे फार्म पूछू बस अब कछु ना चाहिए। श्याम सुंदर ऐसे गोपियों की चिकित्सा करते हैं, लेकिन आज जब माधवी की स्थिति ऐसी भाई, गोपियां कहीं, बोले लाला एक नई गोपी आई है अचेत पड़ी है, लाला एक बार दर्शन दे दे। बोले कहा नाम है बाको? माधवी। अरे अपने श्रीदामा की बहू? भगवान बोले वो बहू? बोले हाँ। वो ससुराल ते आई का है? बोले हाँ वही। वाकू तो अपना मुख नहीं दिखाऊंगो, अरे बड़ी इतरा रही, मैं वहां से पाम पूछ रहा हूं कि अपना मुख दिखाए दे, मुख दिखाए हो नहीं माने, पड़ी रहने दो, मैं ना आऊंगा वाक के पास। वाकू तो मैंने वचन दिया है कि वो तड़पेगी मेरे रूप को देखवे के काजे। ठाकुर जी नहीं गए माधवी से मिलने, क्योंकि ठाकुर जी चाहते थे कि यह वृह वेदना कलयुग में प्रेम लक्षण बन के जन्म लेगा, इसलिए वृह देना पड़ेगा। जब बीज में से एक एक स्वस्थ वृक्ष को जन्म देना होता है ना, धूप की ताप में रखना पड़ता है। ठाकुर जी यदि किसी को वेदना देते हैं, विरह देते हैं, तो निश्चित है उस पर अति कृपा है, अति प्रसन्न है उससे, उससे कुछ और कामना है। ठाकुर जी सहज में ही किसी को अनुभव दे दें, सहज में ही किसी को कृपा कर दें, तो समझो कि अभी उसकी भक्ति उतनी श्रेष्ठ नहीं हुई। लेकिन किसी को तड़पा में विरह दे में, तो समझो इससे प्रीति ज्यादा है। व्याकुल माधवी, तभी प्रसंग आया गोवर्धन लीला का। इंद्र के मान को मर्दन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पूजा का कार्य रखा, सब ब्रजवासी गए। गोपियां गई, अरे माधवी वैसे तो कन्हैया आवे ना है, लेकिन आज सब ब्रजवासी जा रहे हैं, आज तो को कन्हैया जरूर दिख जाएगो, चल। माधवी भी गोवर्धन गई है, लेकिन बंधुओं उसकी दृष्टि में पता नहीं क्या हो गया, उसको सब दिख रहे हैं लेकिन ठाकुर जी नहीं दिख रहे। गोपियों से कहे, कहीं दिखे श्याम सुंदर? बोले वो तो घूम रहे सामने, देखे तो ठाकुर जी ओझल हो जाएं, ठाकुर जी कहीं छुप जाएं, मानो कोई लता पत्र अपने आप आगे आ जाए, बाधाएं अपने आप खड़ी होने लगी, और त्यों त्यों व्याकुल हो गए माधवी। 56 भोग के बाद जब इंद्र ने अपने मान के प्रभाव से जब मेघ वर्षा की, त्राहिमाम त्राहिमाम करके सब ब्रजवासी दौड़ने लगे, तब नन्हे से बाल कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। सब ब्रजवासी जाकर के गिरिराज पर्वत के नीचे खड़े हो गए, माधवी भी वहीं खड़ी थी। गोपियों से बोली, मैं प्राण हाथ जोड़ू तुम्हारे, एक बार मुझे दृष्टि गोचर करा दो, एक बार उसका दर्शन करा दो बस। गोपियां जैसे तैसे भीड़ के बीच से लेकर के उस मुख्य स्थान पर गई जहां ठाकुर जी खड़े थे, सबको दर्शन हो रहे थे। लेकिन जैसे ही माधवी पहुंची, माधवी ने जैसे ही उस चट्टान के ऊपर देखा जहां ठाकुर जी खड़े थे,
ठाकुर जी का एक क्षण गिरधर स्वरूप दिखा और दिखते ही ओझल हो गया, धुंधला हो गया, मानो आंखों में पानी आ गया। खूब मीड़े, खूब जल डाले, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखे। प्राण निकलने को होने लगे माधवी के, लेकिन निकल भी नहीं रहे हैं। सिर पकड़ के बैठी है, प्राण ही निकल जाए, नहीं दिख रहे हैं तो। चरणों में सर झुका दिया, बोले क्षमा कर दो, मैंने अपनी मां के गलत उपदेश का पालन किया, जिससे मुख छुपाना नहीं था उससे छुपाया, मुझसे अपराध हो गया नाथ। ठाकुर जी बोले, माधवी अब तो तुझे मेरा रूप नहीं दिखेगा, अब तो प्रतीक्षा कर। कितने वर्षों की प्रतीक्षा? ठाकुर जी बोले, एक युग की प्रतीक्षा। अब तो तुझे मेरा दर्शन कलयुग में ही होगा, जाओ अब मेरी विरह वेदना रूपी भक्ति में ही रहो, उपासना करो मेरे रूप की, उपासना करो मेरी, तब जाकर के तुमको दर्शन होगा। माधवी का फिर उसके बाद जीवन केवल नेत्र बंद करके साधना युक्त रहती है, रोती है, विलखती है, लेकिन ठाकुर जी नहीं दिखते उसको। ब्रज की गोपियां भी कभी कभी माधवी के ऊपर तरसती हैं कि बताओ हम कितनी सौभाग्यवंत हैं कि हमको दिख जाते हैं, इसको दिखते ही नहीं है। सब आकर के रूप बताती हैं, आज आज श्याम सुंदर ने ऐसी पाग पहनी है, ऐसे वस्त्र पहने हैं, ऐसे उन्हीं का ही चिंतन करके माधवी अपना जीवन यापन करती है। और इसी प्रकार सुन सुन करके ठाकुर जी के रूप माधुरी का अपने जीवन यापन करते हुए अपने प्राणों का परित्याग किया माधवी ने। और वही माधवी की दिव्य चेतना इस आभा मंडल में भ्रमण करती रही, कलयुग प्रारंभ हुआ। और कलयुग में भी जब भक्ति शतक, भक्ति काल जब आया, तब भारत की, राजस्थान की भूमि, और उस राजस्थान की भूमि में भी मेड़ता में भी परम गौ भक्त, परम संत भक्त, परम ब्राह्मण निष्ठ राव दूधाजी के छोटे पुत्र के यहां पर भक्तिमती माधवी ही मीरा के रूप में जन्मी है। बोलो भक्तिमती मीरा बाई की जय।